अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर नासिक भुट्टा हेयर। आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक आज लेकर आया हूँ, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। उसके बाद इस चैनल पर आने वाला जो भी कॉन्टेंट है वो आपको बताएगा कि आपके कौन से पॉइंट्स वीक हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, उनके ऊपर काम करना है, और उसके बाद हम बाकी सारे डिस्कशन भी साथ साथ करेंगे। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आपको अपने एंड पर जो कुछ करना है उसमें मैं कुछ हेल्प आउट नहीं कर सकता। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, लेकिन काम अल्टीमेटली आपको खुद करना है, तो उसके ऊपर फोकस लाजमी कीजिएगा। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज, हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। दो टाइप के फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स इन योर कंट्रोल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं उन फैक्टर्स को कह रहा हूँ जिनमें असल में आप ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द पेपर, आपने जिनको एक्सटर्नली अपने पेपर के ऊपर प्रेजेंट करते हुए इन बातों का ख्याल रखना है, मैं उनको एक्सटर्नल फैक्टर कह रहा हूँ। और कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में हैं प्रेपरेशन के लिए। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको अभी बताया, बी वेल प्रिपेयर्ड। अच्छा, स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर ये बी वेल प्रिपेयर्ड तो आप कह देते हैं, ये कैसे होना चाहिए? बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, ये जब भी आपका न्यू सेशन स्टार्ट होता है ये तब आपके माइंड में होना चाहिए, और ये उसी वक्त इस क्वेश्चन का सारा आंसर मिल जाता है। यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। कैसे? यू हैव टू बी रेगुलर एंड पंचुअल इन क्लास। सबसे पहले तो क्लास में रेगुलर रहे। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो क्लास में अब तक रेगुलर नहीं थे, सिलेबस कवरेज हुई उनकी और अब पेपर्स के टाइम करीब आ गए हैं, अब राउंड्स चल रहे हैं, अब टेस्ट चल रहे हैं, स्केड्यूल टेस्ट जो भी चल रहे हैं, लेकिन वो क्लास में उस वक्त रेगुलर नहीं थे, उनके लिए अब प्रॉब्लम ये है कि उनको दोबारा से रिवीजन के वक्त अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा तमाम किस्म की बुक्स के ऊपर जिनमें वो प्रेजेंट नहीं थे। तो एक स्टूडेंट के लिए मस्ट हैव टूल सबसे पहला पंचुअलिटी एंड रेगुलरिटी है। उसके बाद सेकेंड है जी, कवर कंप्लीट टेस्ट सिलेबस। आप जब भी टेस्ट देने जा रहे हैं उसका कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ना नहीं है कि शायद ये पेपर में ना आए। कुछ भी आ सकता है पेपर में। आपका जो गिवन सिलेबस है उसको आपने पूरा मेक श्योर करें कि उसको आप पूरा का पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। जब कंप्लीट उसको प्रिपेयर कर लेंगे तो यू विल हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लूजिंग सेल्फ कंट्रोल ओवर द पेपर। जैसे उनके सामने पेपर आया, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और वो कहते सर पेपर तो तैयार था लेकिन वहां जाके भूल गया। वो क्या है? वो आपका कॉन्फिडेंस है। बी कॉन्फिडेंट एंड हैव सेल्फ फेथ। आपको जब भी पेपर प्रिपेयर कर लेना है उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपने जो कुछ प्रिपेयर किया है उसमें आपकी मेहनत शामिल है, उसमें हार्ड वर्क शामिल है, और जब भी वर्क कोई करता है उसका लाजमी उसको सिला मिलता है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लिया तो फिर आपको कोई फिक्र की बात नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। जब आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो आपने तमाम किस्म के एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड हैव सेल्फ फेथ। मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को इसीलिए खराब होते देखा है कि उनको सेल्फ फेथ नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं थे। क्लास में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते लेकिन जैसे ही टेस्ट आते हैं तो टेस्ट के दौरान में लिखना उनसे नहीं हो पाता और दे लूज कंट्रोल ओवर देयर पेपर, और उसके बाद भी जब रिजल्ट आते तो रिजल्ट अल्टीमेटली उस तरह का नहीं होता, जबकि वो क्लास में अच्छे परफॉर्मर थे। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है। नेक्स्ट है जी, मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर किसी पॉइंट को कहता हूं तो मैं कहता हूं जी, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना बेस्ट दें और बाकी चीजों को छोड़ दें। वो फैक्टर्स जो कुदरत का निजाम है वो कुदरत आपको कर देगी, लेकिन आपका जो काम था वो था गिव योर बेस्ट। आप अपना 100% दे दें एक दफा पेपर लिखते वक्त, और वो कैसे देने हैं? वो ये फैक्टर्स हैं जिनको आपने टेक केयर करना है। सबसे पहली बात, प्रेजेंट योर पेपर लाइक ए प्रो। नूब नहीं बनना पेपर लिखते वक्त, प्रो बनना है। और प्रो कैसे बनना है वो मेरी एक पूरी सीरीज भी, उसमें थोड़ा सा मैंने प्रेजेंटेशन के लिए लिखा हुआ है। मेरे हाइलाइट्स को आप चेक कर लेंगे इसी पेज के, इंस्टाग्राम पेज के हाइलाइट्स पर मैंने लिखा हुआ पेपर प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है। इस चीज को लाजमी देखना है आपने। पेपर प्रेजेंट करने का जो वे है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है आपके नॉलेज को डिलीवर करने के लिए एग्जामिनर तक। सेकेंड, राइट योर आंसर टू द पॉइंट एंड ब्रीफ। आपके जो भी आंसर्स हैं वो एक तो टू द पॉइंट होने चाहिए, उसमें कहीं भी एग्जेजरेशन ना हो, किसी भी किस्म की बात को घुमाया ना गया हो, टू द पॉइंट हो विद इन द कॉन्टेक्स्ट, और ब्रीफ भी होनी चाहिए। यानी कि याद रखिए, ब्रीविटी इज अ की टू सक्सेस। इख्तसार से मुख्तसर करके लिखना और टू द पॉइंट बात लिखना, यह भी कामयाबी की एक निशानी है। थर्ड पॉइंट इज राइट ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर्स। इंग्लिश का पेपर, टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द इंग्लिश पेपर, This is the paper where you have to be grammatically correct. और कैसे होंगे grammatically correct? मैं आपको सिखाऊंगा।
अल्टीमेटली ये जो आज का टॉपिक था ये आपका रिक्वेस्टेड टॉपिक था। मैंने जो इसके बाद वीडियोस बनानी है अलाइन कर लिया, मैंने अपना सारा का सारा डेटा, मैंने सारी वीडियोस को अलाइन कर लिया, बस आप तक पहुंचानी है। आपको टेंसेस के कैसे आने चाहिए, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे कैसे कवरेज करनी है, कैसे कवर अप करना है उन चीजों को, ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ। अल्टीमेटली आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे उन चीजों की तो तब जाके आप ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर्स लिख पाएंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम इन ओवर अटेम्प्टिंग द पेपर। मैंने तमाम अच्छे स्टूडेंट्स को लो मार्क्स लेते हुए देखा है, मेरे हाथ से मार्क्स जाते हैं जब, तो लो मार्क्स इसलिए जाते हैं कि वो ओवर अटेम्प्ट करते हैं पेपर को। आपको 8 क्वेश्चन में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, आप 6 की तरफ क्यों जा रहे हैं? गिव योर बेस्ट 5 आंसर्स। आई होप कि आपको ये तमाम फैक्टर्स समझ आ गए हैं। बट अगेन मैं फिर वही कहूंगा कि मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, कि अगर आपकी पहली ही पॉइंट में प्रॉब्लम है, वेल प्रिपेयर्ड नहीं है आप, आपको सिलेबस का नहीं पता पूरा, आपको इंग्लिश के पैटर्न का नहीं पता पूरा, इंग्लिश के पेपर में जब सिलेबस दिया जाता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है वो अगर आपको नहीं पता, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। ये तमाम लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अगर पहले कवर अप नहीं किया था उन्होंने फर्स्ट पॉइंट, तो आज से ही वो प्रॉमिस करते हैं, मुझसे प्रॉमिस करते हैं या अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि अब से आप इस चीज़ को टेक केयर करेंगे। मैं बता दूं कि जितना आप प्रिपेयर वेल प्रिपेयर्ड होंगे उतना ही पेपर आपका गुड मार्क्स लेकर आएगा। अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो मेरे भी तमाम किस्म की ये टिप्स एंड ट्रिक्स बिल्कुल आपके लिए यूजलेस हैं, और कहीं से भी कोई भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं तो वो किसी भी किस्म के काम के नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़।